लीजिए हाय। हाँ बोलो। लीजिए हाय, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मुझे पता है, चलो एक गेम खेलते हैं। कौन सॉन्ग यून पर अटैक कर रहा है? जो भी हो, लेकिन मैं सॉन्ग यून को चोट नहीं पहुंचने दूंगा। वो आवाज क्या था? माफ करना। हम यहाँ कैसे आ गए? मैंने तुम्हें यहाँ लाया। लेकिन हम तो अभी कार पार्किंग पर थे। क्या हम टेलीपोर्ट किया? तुम सही कह रहे हो। तुम कौन हो? मुझे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। क्या तुम? जैसा तुम देखा, मैं एक मरमेड हूं। मरमेड? एक्चुअली मैं समुद्र में रहता हूं, लेकिन अब मैं जमीन पर रहना चाहता हूं। एक वजह से, किसी एक अपने को जिसे मैं प्रोटेक्ट करना चाहता हूं। अब तुम सब कुछ जान गए, क्या फिर अभी तुम मुझे प्यार करोगे? तुम्हारी बाहों में क्या है? मुझे जवाब पता चल गया। चलो, मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। तुम इंसान हो या और कुछ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे साथ रहना, मेरी मदद करना, मेरे लिए इतना ही काफी है। अब मैं जो कहूँगा ध्यान से सुनना। लीजिए हाय, आई लव यू। क्या कर रहे हो? तुम समुद्र में कैसे बात करते हो? बस तुम्हारे जैसा, समुद्र में हमारा खुद का लैंग्वेज है। तो ऐसा है, इसका मतलब तुम समुद्र के सारे जीवों के साथ बात कर सकते हो? यस। आओ। मुझे बताओ ये गोल्डफिश क्या कह रहे हैं? ये बुली लड़की हमें बहुत काम करवाती है और हमें खाना भी नहीं देती। पिछले 10 दिनों से इस पानी को भी नहीं बदलाया है। पिछली बार लगभग मैं मर ही गया था। इस लड़की के साथ मत रहना, नहीं तो फंस जाओगे। वो क्या कह रहे हैं? हाँ, वो कह रहे हैं कि आप बहुत सुंदर हो और आप बहुत मेहनती भी हो। वो तुम्हें पसंद करते हैं। ओह माय लिटिल गोल्डफिश, आज मैं तुम्हें ज्यादा खाना दूंगा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो क्या तुम्हारा आंसू मोती में बदलता है? ऑफ कोर्स। तुम्हारा हाथ दो। वाओ, ओ गॉड, सच में। रुको, मैं आ रही हूँ। क्या कर रहे हो? ओके, अब इसके ऊपर रो। मैं एक महिला स्टार की तरह बनना चाहती हूँ। सॉन्ग यून।
क्या इसलिए तुम मेरे साथ रहना चाहते थे? तुम क्या कह रहे हो? आई लव यू। मैं बस थोड़ी सी मोती चाहता हूँ। वाह, कितना प्यारा है। मैंने सुना है मरमेड अच्छा गाना गाते हैं। क्या तुम मेरे लिए एक गाना गाओगे? क्या सुनना चाहोगे? ऐसी गाना गाओ जो मेरी दिल को छू जाए। ठीक है, अब सुनो। बहुत अच्छा गाया, दोबारा मत गाना। और एक बात, तुम्हारा टेलीपोर्ट करने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या तुम मुझे ऑफिस जाने में मदद कर सकते हो? जरूर, मैं तुम्हें बेड तक भी ले जा सकता हूँ। एक बॉयफ्रेंड होना कितना अच्छा होता है जो मुझे काम पर ले जा सकता है। हे, मेरे सनस्क्रीन पाउडर कहाँ गया? तुम्हारा सनस्क्रीन पाउडर यहाँ है। हो गया। रुको, अब मैं तुम पर स्प्रे कर देती हूँ। नहीं, ओ नहीं, रुको। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? क्या यहाँ दर्द होता है? नहीं, दर्द नहीं होता। शायद ये जमीन पर रहने से हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसे मेरे हाथ पर स्प्रे करता हूँ तो ये निशान ठीक हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार ऐसे ही मेरा हाथ ठीक हो गया था। सच में? अभी तुम्हारा हाथ दिखाओ। तुम्हें जल्दी तुम्हारा मोती हासिल करना होगा, वरना तुम मर जाओगे। ठीक है। हेलो कछुए, क्या तुम्हें पता है ली जेहाई को क्या हुआ है? वो मुझसे क्या छुपा रहा है? ओ, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये क्या बोल रहा है? शायद मैं इस कैमरा के मदद से ली जेहाई के बारे में कुछ पता कर सकता हूँ कि उसे क्या हुआ है। मैं थक चुका हूँ। मैं कब मेरा मोती वापस हासिल कर पाऊंगा? मोती वापस हासिल करने के लिए उस जिद्दी और उदासीन लड़की को मेरे प्यार में पड़ना होगा। तुम कह रहे हो कि मुझे जल्दी करना होगा। अगर तुम ऐसा कोई चीज देखोगे तो तुरंत मुझे कॉन्टैक्ट करना। ओके। हेलो, मैं सोंग यून बोल रही हूँ। मुझे आपसे मोती के बारे में कुछ जानना था। मोती के बारे में? मोती हर मरमेड की सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर एक मरमेड के पास उसकी मोती नहीं होता है तो वो अपनी सारी पावर खो देगा, और तो और वो समुद्र में भी नहीं जा सकता। और वो इंसान जिसको मरमेड ने मोती दिया, और उससे मोती को फिर से पाने के लिए सच्चे प्यार की जरूरत होगा, तभी वो मोती मरमेड के पास आ पाएगा। मैं तुम्हारा पसंदीदा केक लाया हूँ। तुमने बहुत मेहनत किया। इसमें कौन सी मेहनत, ये सिर्फ केक है। मेरा मतलब, मेरे जैसे जिद्दी और उदासीन लड़की के लिए ये मुश्किल था ना? सोंग यून, मुझे बताओ, तुम मेरे करीब आए और मुझे तुम्हारे प्यार में गिराया ताकि तुम्हारे मोती पा सको, राइट?